हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया स्मार्ट सपोर्ट। अगर आपके किचन के लाइटर भी काम नहीं कर रहा है कुछ इस तरह, यहाँ देख सकते हैं ये लाइटर है और ये भी वर्क कर रहा था, मगर ये आजकल ये इसमें से आग नहीं निकल रहा है, चिंगारी यहाँ देख सकते हैं। सो चलिए इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। अगर आपका भी लाइटर ख़राब है तो इस कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये लाइटर है तो यहाँ देख लीजिए, इस जो होल्स इसमें दिया गया है उसको आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, सभी होल्स को। आप चाहें तो कोई पिन या यहाँ देख सकते हैं मैं टेस्टर की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ, कुछ इसी तरह आप इसको साफ़ कर लीजिए अच्छे से सभी होल्स को। उसके बाद आपको इसके अंदर को अच्छे से साफ़ करना है। इसमें ऑयल जो है वो काफ़ी जम जाता है क्योंकि इसको गैस के पास ही रहते हैं, इसलिए ठीक वैसे जैसे एग्जॉस्ट फैन में जम जाता है उसी तरह यहाँ देख सकते हैं, जिससे जाम हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता है। सो इसको आप अच्छे से निकाल के साफ़ कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए कुछ इसी तरह आप इसको निकाल लीजिए अच्छी तरह से टेस्टर या चाकू की मदद से। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह इसको आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसका मैं दूसरा स्टेप बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए इसमें से कितना जो ऑयल जमा है वो निकल रहा है। सो इसको आप को इसी तरह अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको इसको क्लीन करने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा और आपका लाइटर फिर से काम करने लगेगा बिल्कुल नए की तरह। और इसको आप जितना अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे उतना ही ये ज़्यादा टाइम के लिए वर्क करेगा। तो आपको इसको अच्छे से साफ़ करना है, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इसी तरह इसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। और काफ़ी अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गया है। और चलिए इसका फाइनल स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका लाइटर काम नहीं करेगा। सो आपको कुछ इस तरह इसमें एक कपड़ा अंदर डालना है, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इसी तरह इसमें आप कपड़ा अच्छे से अंदर डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जो किचन में होता है उसको। उसके बाद इसको आपको घुमाना है कुछ इस तरह, यहाँ देख सकते हैं, इससे जो भी मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर होगा और जो भी इसमें ऑयल और एक्स्ट्रा होगा वो अच्छे से निकल जाएगा, जिससे ये काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ देख सकते हैं आप कुछ इस तरह आप इसको अच्छे से घुमा के साफ़ कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और यहाँ देख सकते हैं आप जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत ऑयल का ये वो भी बाहर आ गया है और ये लगभग यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है। और चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप इसमें से चिंगारी निकलने लगा है और ये यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ गैस को, यहाँ देख सकते हैं आप और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो इसी तरह आप इसे क्लीन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।